शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश। स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट रखो। बिल्कुल बिल्कुल, कमर सीधी, बिल्कुल कमर सीधी। शाबाश, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट रखो, है ना, ऐसा कर दो बिल्कुल। क्या आवाज, खींचो अपने आप को। अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। आपको वर्ण भी कर रहा है ना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोशिश करो, जोर नहीं लगाना है, बड़ा आराम से। हाँ चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, ज्यादा आराम से शाबाश। दोनों दांत बंद कर दो अपने। शाबाश शाबाश, जिस तरफ से लिया उस तरफ, जिस तरफ से छोड़ा उस तरफ से फिर सांस अंदर लो सामने। हाँ ऐसे दूसरे हाथ से भी करूँगा। ब्रीथ को कंट्रोल करना होता है, ब्रीथ को। शाबाश शाबाश, बोलो देखना, बोलो खींचना, बॉडी को खींचना, बॉडी को। नेशनल योगा डे है, 21 जून है, तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये मनाया जाता है। और हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट में पुंछ में, जो कि अपना हमारा वॉलीबॉल क्लब है, शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब, तो उसमें हम अपने घर पे ही आज योगा डे मना रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके, जो बड़े हैं हमारे उनको लेके। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर पर रहें और योगा करें, क्योंकि ये अपनी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को ठीक रखता है। आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है वो पूरी हर जगह पे, हर गांव में, हर नुक्कड़ में जो है वो योगा इंटरनेशनल डे जो है वो उसको मनाया जा रहा है। तो योगा इंटरनेशनल डे जो है वो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो हमें इस योगा को जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो है उसको बनाना चाहिए, क्योंकि योगा से आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को जो है वो फिट कर सकते हो। क्योंकि योगा, बिलखसूस मैं कहूँगा, ये जो इस वक्त जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है, इससे लड़ने के लिए योगा जो है बहुत बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो अदा कर सकता है। क्योंकि योगा करने से क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, उन पर ये वायरस जो है वो असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक लोग जो हैं उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, बिलखसूस जो हमारे खिलाड़ी हैं उन बच्चों से भी, और आम जितनी भी हमारे शहरी हैं उनसे, कि योगा को जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो है वो एक हिस्सा बनाएं, ताकि अपने आप को फिट करने में आप कामयाब रहें। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं, उनका भी नारा है कि अपने आप को फिट करो, जैसे फिट इंडिया है, खेलोगे तो और उससे भी अपने आप को फिट होना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस सब एडवाइजरी को फॉलो करते हुए योगा को जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए।